अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं पालक चिकन ग्रेवी, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, तेल आप अपने हिसाब से लीजिए। इसमें कम ही ऑयल जाएगा, ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 4 हरी इलायची, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और काली मिर्ची ऐड की है। जब वो तड़क जाए तो ये 2 बड़ी प्याज ऐड करेंगे स्लाइस में कट की हुई, और प्याज को हम भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हल्की ये सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इस पर ब्राउन कलर आ जाए, इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। देखिए इस तरीके से प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 2 छोटे साइज के टमाटर ऐड करेंगे कट करके, और इनको भी हमें भून लेना है। अब टमाटरों के साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और अदरक लहसुन को भी भून लेना है इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। और इसी के साथ साथ टमाटर भी हमारे भून जाएंगे। टमाटरों को हमें गला लेना है। देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, और अदरक लहसुन भी भून चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें मैंने 4 कट करके ऐड की हैं, ये फीकी वाली है। अगर आपकी तेज़ है तो आप कम ऐड करें। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून ही मैंने कश्मीरी मिर्ची ली है। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इन सारे मसालों को हम भून लेंगे। इस वक्त फ्लेम को आप लो कर दीजिए, अगर फ्लेम हाई करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना, और लो फ्लेम पर इसको भूनने देंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको मिल पाएगी। तो देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। 1/2 kg चिकन ली है मैंने। चिकन को हमें डालने के बाद अच्छे से भून लेना है। 5 मिनट तक हम चिकन को भूनेंगे हाई फ्लेम पर, ताकि सारे मसाले चिकन पर अच्छे से लग जाए। इस तरीके से हमें इसको भून लेना है, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो देखिए चिकन भून चुकी है। अब आधा ग्लास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ग्रेवी बना रहे हैं, तो आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसको लीड से कवर कर देना है, और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगी उसके बाद ही हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी पक चुकी है, फुल कुक हो चुकी है चिकन हमारी। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने एक पालक ले ली है, इसको मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, तो आपको अच्छे से इसको धोकर कट करना है। अगर आपको और ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा पालक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पालक को मिक्स कर लेंगे, और पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक का भी पानी रिलीज होता है, तो उसी में ये पक जाएगी। और जो लोग पालक नहीं खाते हैं अगर आपके फैमिली में, तो आप इस तरीके से चिकन में डालकर उनको बनाकर दे सकते हैं। इससे आपकी चिकन का टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पालक भी खा लेंगे। अब देखिए इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी पालक ग्रेवी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हल्का सा मिक्सअप कर लेंगे। ये मैंने ली है कसूरी मेथी, इसको हाथों से हल्का सा क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/2 लेमन का जूस ऐड करेंगे, और इनको मिक्स कर लेना है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं इसको। तो देखिए इस तरीके की ग्रेवी रखी है मैंने, ये बनकर रेडी हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मज़ेदार सी पालक चिकन ग्रेवी हमारी बनकर रेडी है। इसको आप सर्व कीजिए पराठे और रोटी के साथ। अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।